आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। ये मानव लाखों वर्षों से लाखों योनियों के अंदर लाखों प्रकार के शरीर धारण करके लाखों क्रियाओं, कर्मों, प्रकृतियों, ब्रह्मांडों के अंदर से गुजर करके यात्रा करके मानव शरीर तक पहुंचा। मानव शरीर तक पहुंच करके अगर मात्र हम संसार के अंदर जीवन के अंदर भय के अंदर निंद्रा के अंदर आलस के अंदर विचारों के अंदर मन के अंदर अगर हम खोए रहे और इस छोटे से जन्म में कुछ वर्ष के जीवन में कुछ समय में हम जाग नहीं पाए तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। हम हर जन्म में यही सोचते हैं कि इस जन्म में हम मुक्ति पा लेंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। अनेकों प्रकार की योनियां जिनमें इतनी चेतना नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती, इतना विवेक नहीं होता कि मानव ये समझ सके कि जीवन मुक्ति की आवश्यकता है, परमात्मा की आवश्यकता है और खोज करने की आवश्यकता है। इस अंश को अंशी में मिलाने की आवश्यकता है, ये समझ नहीं आती क्योंकि बुद्धि के अंदर इतनी समझ, इतना ज्ञान नहीं होता। लेकिन मानव के जीवन में, मानव की बुद्धि में इतनी समझ और इतना ज्ञान उस परमात्मा ने दिया है जिससे ये अनुभव हो सके कि परमात्मा क्या तत्व है, इस शरीर का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन हम पाप पुण्य के अंदर रह करके छोटी छोटी वस्तुओं से संतुष्ट हो करके अपनी खोज को रोक करके समाज के छोटे छोटे भय, निंदा, दूसरों के सुख और दुख, क्रिया प्रतिक्रिया, अच्छा बुरा सोच करके हम अपने मार्ग को रोक देते हैं, वहाँ की चढ़ाई को रोक देते हैं, सारी चीज़ें सीमित कर देते हैं, जीवन भी, जीवनचर्या भी, दिनचर्या भी, और प्रयास करते हैं हम लोगों के अनुसार चलें, समाज के अनुसार चलें और उन नासमझों के अनुसार चलें जिनको अध्यात्म का कुछ भी नहीं पता, धर्म का भी नहीं पता, अध्यात्म का भी नहीं पता। लेकिन हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें उत्पन्न हुई समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, समाज के प्रभाव से, और ये मानव
जितना गति करके आगे आया जीवन के अंदर, मानव जीवन इतने लाखों वर्षों से गति करके आया, इसके अंदर बहुत ऋषि मुनियों द्वारा प्रदान की गई अच्छी चीज़ें भी आई और उनका दुरुपयोग भी हुआ। समझ के अनुसार जिसको जितनी समझ आई उसी को धर्म मान लिया। हर 200-400 किलोमीटर के ऊपर धर्म की रीतियां, रिवाजें बदल जाती हैं, उनके नियम भी बदल जाते हैं और उनका पूजा पाठ की पद्धति भी बदल जाती है। आप नज़र मार के देखिए, पूरे विश्व के अंदर यही हालात हैं। केवल मात्र भारत के हालात नहीं हैं, पूरे विश्व के यही हालात हैं, लेकिन हम उनको सत्य मान लेते हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार उन्हीं चीज़ों को सही मान करके बस बैठ जाते हैं कि जो है यही है, यही सही है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ से शुरुआत भी नहीं होती। जो हमारे ऋषि मुनियों ने रास्ता दिखाया, जो चीज़ें उन्होंने छिपा छिपा करके ग्रंथों में, पुस्तकों में लिख दी, उनको हम ना समझ करके सांसारिक लोगों की समझ के अनुसार चलने लगे, महापुरुषों के रास्ते हमने छोड़ दिए, उन रास्तों से हम भटक गए और सांसारिक लोगों द्वारा दिखाए गए मार्गों को ही हम श्रेष्ठ मान करके और जल्दी परमात्मा से मिलने वाला मान करके, उनको बड़ा नज़दीक मान करके और मीठे मीठे प्रलोभनों में फंस करके इस जीवन को भी, अगले जीवन को भी हम खराब करने लगे। लेकिन संसार के अंदर ऐसे हालात इस कारण से हुए, सही और गलत की पहचान नहीं रही। आजकल आप देखो सब धर्मों के अंदर क्या चल रहा है, अलग ही सब कुछ चल रहा है। हमारे अंदर ये देखो कि हमें संसार के अंदर, मैं जो देखता हूँ कि ज्ञानी किसी को नहीं चाहिए, ज्ञानी परमात्मा भी नहीं चाहिए किसी को, ज्ञान देने वाला परमात्मा नहीं चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रयास करते हैं, सबको बाल रूप में ही चाहिए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे देवी हो, माँ शक्ति हो, आदि शक्ति हो, चाहे हनुमान जी हो, सबको बाल रूप में ही चाहिए, किसी को भी बड़े रूप में नहीं चाहिए, किसी को भी ज्ञानी के रूप में नहीं चाहिए, किसी को भी ज्ञान उनसे नहीं चाहिए। क्योंकि हम उस परम तत्व को, उस परम चेतना को, उस परमात्मा को भी हम अपने से बड़ा मानने को तो तैयार हैं कि हाँ हम बड़े, कि वो परमात्मा हमसे बड़े हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये तक मानने के लिए तैयार नहीं कि वो पालन पोषण करते हैं हमारा, वो पैदा करते हैं, वो सृष्टि चलाते हैं, उन्हीं के हाथ में बागडोर है, सब कुछ वही करने वाले हैं, वही करता धरता है और उन्हीं की खोज करनी है। हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि वो परमात्मा हमारे से छोटा है और हम उसको उठा करके घूम सकते हैं, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। और मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है सुन सुन करके, देख करके, कि परमात्मा को लोग बोलते हैं वो गर्भ में आ गया, 9 महीने मानव की तरह से उसको गर्भ में रखने के लिए किस प्रकार से लोगों ने कैसे कैसे ख्याल बनाए कि वो अनंत की धरती के ऊपर भार कम करने के लिए आते हैं, भार घटाने के लिए आते हैं। अनेकों अनेक विचार लोगों के, अनेकों अनेक इनके जवाब बनाए गए और बहुत
चारों तरफ से दबा दबा करके ढक दिया गया, लेकिन तर्क समाप्त नहीं हुए, खोज बंद नहीं हुई, खोजी लगे हुए हैं। कुछ लोग ये कहकर के रोक दिए जाते हैं कि परमात्मा आस्था का खेल है, परमात्मा भाव का खेल है, परमात्मा भक्ति का खेल है, परमात्मा पे शंका नहीं करनी चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए और सवाल नहीं करने चाहिए, इससे आस्था के ठेस लगेगी, विश्वास के ऊपर ठेस लगेगी, संसार के ऊपर ठेस लगेगी, अनेकों अनेक प्रकार के सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं जवाब ना दे करके। अरे वो परम तत्व जो सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर समाहित रखता है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो वहीं बैठा बैठा सब कुछ कर सकता है। उससे अलग इस ब्रह्मांड में बोलते हैं महात्मा लोग, संत लोग, उसके चाहे बिना कुछ भी नहीं होता, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फिर उनको कहाँ आवश्यकता पड़ी गर्भ में आने की, युद्ध करने की, लड़ाइयाँ करने की, करवाने की, वो ऊपर बैठा बैठा ही सब कुछ कर सकता है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य है, वो जब एक पल में एक पलक झपके इतने में पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर दे, इतनी अक्षमता उसके अंदर है। आप अंदाज़ा लगाइए पलक झपकते वक्त आपका कितना जोर पड़ता है, आपको याद भी नहीं रहती, पता भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं रहता, पलक झपकी नहीं झपकी। उसी प्रकार से इतना ही जोर उस परम सत्ता का लगता है सृष्टि को हिलाने में, सृष्टि को नष्ट करने में, सृष्टि को चलाने में और अनंत अनंत सृष्टियों का संहार करने में। इसे ज़्यादा उनको वक्त नहीं लगता, लेकिन हमारे जो लोग थे जिन्होंने कल्पनाएं की, जिन्होंने सोचा विचार किया और जो मर्जी लिख दिया, हम भी बिना तर्क के, बिना सोचे समझे, बिना देखे उसके अनुसार चलने लगे और उस खेल के साथ ही हम धर्म से तो दूर हो ही गए, हम ज्ञान से भी दूर हो गए, हम ध्यान से भी दूर हो गए, हम परम चेतना से भी दूर हो गए, हम उस परम सत्ता से भी दूर हो गए, उस परमात्मा से भी दूर हो गए और अपने अस्तित्व से दूर हो गए। और जब मानव अपने अस्तित्व से दूर जाएगा तो ही मानव वहीं फंस करके, वहीं अटक करके, गुमराह हो करके वहीं घूमता रहेगा। जब उनको ना निकलने का दरवाज़ा मिलेगा, ना ऊपर उड़ने के लिए जगह मिलेगी, न निकलने के लिए कोई मार्ग होगा, तो वहीं रह करके उसी के अंदर, सर्कल के अंदर घूमता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, भ्रम के थपेड़ों से, भ्रम के मार्ग से, भय के मार्ग से आपको भिन्न भिन्न प्रकार से डरा करके और गलत पद्धतियों के अंदर डाल दिया गया है। और उनको समझने के लिए बहुत समय लग जाता है, तब तक इतना लंबा मानव का जीवन नहीं है जितना लोग भटकाने वाले हैं। हर रोज़ हम कुछ न कुछ नया देखते हैं, नया सोचते हैं, नया पता चलता है, नई नई चीज़ें आँखों के सामने से गुजर जाती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को देख करके भी एक तरफ कर देते हैं, उनको मान करके, देख करके, पता होने के बाद भी हम उनको एक साइड में करने का प्रयास करते हैं, उस सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं, जागने की कोशिश नहीं करते। तो इस कारण से मानव बहुत दूर चला गया अपने जीवन से, अपने सार से, अपने बीज से।